नमस्कार, मेरा पूरा देश सुन रहा है राष्ट्र की आवाज। 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, 11 महीने होने वाले हैं रूस यूक्रेन युद्ध लगातार चल रहा है। यूक्रेन में युद्ध की वजह से तबाही का दौर लगातार जारी है। पिछले दो दिनों से वॉर जोन से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूसी सेना के ताजा हमले में कई यूक्रेनी शहर खंडर में तब्दील हो गए। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन में 30 से ज्यादा मिसाइलें बरसाई। यूक्रेन के निप्रो शहर में कई लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेन में जानमाल के नुकसान का दौर लगातार जारी है। पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध से परेशान है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया है। युद्ध के दुनिया की रणनीति की सोच में बड़ा बदलाव ला दिया है। इन बदलावों पर कैसे पूरी दुनिया में मंथन का दौर जारी है, यह आज आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। रूस यूक्रेन युद्ध पर हिंदुस्तान की पूरी नजर है, पैनी नजर है। यूक्रेन संकट की वजह से दुनिया की युद्ध नीति में क्या बदलाव हो रहा है, इस पर हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री की पैनी नजर है। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस यूक्रेन युद्ध से सेना को सीख लेने की बात कही है। सेना को तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर देने को कहा है। बदलते दौर के साथ सेना को अपडेट करने की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूक्रेन युद्ध पर सबक लेने की बात आर्मी डे के मौके पर कही। आर्मी डे के बेहद खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को यूक्रेन युद्ध से किस तरीके से सीख लेने की सलाह दी है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। यूक्रेन के वॉर जोन में रूस यूक्रेन की सेना पिछले 11 महीनों से आमने सामने है। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर रूसी सेना, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सबसे छोटी सेना। बावजूद इसके इस युद्ध विराम के आसार नजर नहीं आ रहे। पहले जो एक आकलन था कि रूसी सेना बहुत जल्द यूक्रेनी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी, यह आकलन अब पूरी तरीके से खारिज हो गया। यूक्रेनी सेना ने कैसे ड्रोन और नई संचार तकनीकी के दम पर रूसी सेना को पस्त कर दिया, यूक्रेनी सेना की रणनीति में क्या खास सीखा जा सकता है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। रूसी सेना कमजोर पक्ष का क्या नजर आ रहा है, इसके बारे में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पिछले 11 महीने पहले यानी 24 फरवरी 2022 को जब रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया, शायद ही उस वक्त किसी ने ऐसा सोचा होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध इतना लंबा खींचेगा। उस वक्त सब यही सोच रहे थे रूस जैसी महाशक्तिशाली देश के सामने यूक्रेन ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा, जल्दी यूक्रेन की सेना घुटने टेक देगी, रूस बहुत आसानी से विजय हो जाएगा। फिर एक दौर आया जब अमेरिका नाटो देशों की सैन्य और आर्थिक मदद से यूक्रेन ने रूसी सेना पर जबरदस्त तरीके से पलटवार किया। उस वक्त कहा गया था
अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी के चलते रूसी अर्थव्यवस्था युद्ध लंबा नहीं झेल पाएगी। पुतिन युद्ध जल्दी विराम युद्ध विराम की घोषणा कर देंगे, पर हुआ ऐसा नहीं। आज पूरी दुनिया हैरान, आज पूरी दुनिया परेशान है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। युद्ध को शुरू हुए 11 महीने का वक्त होने जा रहा है। फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध के थमने के कोई आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, और पिछले कई दशकों के बाद यह पहला ऐसा युद्ध है जिसमें पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। नए दौर के नए हथियारों का इस्तेमाल जमकर हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध हर देश के सैन्य अधिकारी डिफेंस की योजनाओं को बहुत कुछ सिखा भी रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध आज की तारीख में दुनिया भर के नेताओं को, अर्थशास्त्रियों को बहुत कुछ सिखा रहा है। युद्ध को लेकर सबको अपनी अपनी पुरानी सोच बदलने के लिए मजबूर भी कर रहा है। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रूस यूक्रेन युद्ध से सेना की सीख लेने की बात कही है। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात बेहद खास मौके पर कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूक्रेन युद्ध से सबक लेने की बात आर्मी डे के खास मौके पर कही। 15 जनवरी को हिंदुस्तान की सेना ने अपने 75वां सेना दिवस मनाया। पहली बार आर्मी डे का आयोजन दिल्ली के बाहर बेंगलुरु के गोविंद स्वामी परेड ग्राउंड में हुआ। और इस खास मौके पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे मौजूद रहे। आर्मी डे के मौके पर सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। सेना ने अपनी तैयारियों के बारे में देश को बताया। सेना के जवानों की वीरता के साथ उनकी कुर्बानियों को दिल से याद किया गया। देश के लिए शहादत देने वाले वीर जवानों और पर गर्व करने का बेहद खास मौका होता है यह सेना दिवस। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आजादी के अमृतकाल में इंडियन आर्मी के 75वां आर्मी डे मनाया। 15 जनवरी 1949 के दिन ही जनरल KM करियप्पा को भारतीय थल सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। आजादी के बाद आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस हुआ करते थे। इसके बाद आजाद भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने कमान संभाली थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, साल बदलते गए, सेना बदलती गई, वक्त की चुनौतियों के हिसाब से हिंदुस्तानी सेना ने नए बदलाव किए, और यही वजह है कि आज हिंदुस्तानी सेना की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में होती है। हिंदुस्तान की सेना चीन और पाकिस्तान की शैतानी चालों का करारा जवाब देने में कामयाब रही। सेना की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस यूक्रेन युद्ध से सबक लेने की बात भी कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सेना को रूस यूक्रेन संघर्ष से सीख लेने के लिए भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। रक्षा मंत्री ने वक्त के साथ सुरक्षा चुनौतियों में आ रही बदलावों का भी जिक्र किया। पिछले 10 सालों में जो सुरक्षा चुनौतियों में बदलाव हम देख रहे हैं, वो बदलाव पिछले 100 सालों के दौरान भी नहीं हुए। आज ऐसे ऐसे हथियार इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं जो पहले कभी सोचे भी नहीं गए। आज दुनिया में ड्रोन का खूब इस्तेमाल हो रहा है। अंडरवाटर ड्रोन प्रयोग में लाए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित हथियार का प्रयोग लाए जा रहे हैं जिसमें इंसान को सामने आने की जरूरत नहीं। युद्ध में तकनीकी के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से सैनिक मानव और तकनीकी का मिश्रण बन गए। तकनीकी बदलाव के ऐसे दौर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों से अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की अपील की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में सभी प्रमुख सशस्त्र बलों को अपने सुरक्षा तंत्र को और ज्यादा मजबूत करना होगा। यूक्रेन जैसे संघर्षों से मिली सीख से खुद को अपडेट करना होगा।
इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी समझाया कैसे इस दौर में बाहरी आंतरिक सुरक्षा का फर्क कम होता जा रहा है। पहले सुरक्षा के दो पक्ष थे, एक बाहरी और दूसरा आंतरिक। आंतरिक सुरक्षा कानून व्यवस्था से जुड़ा होता है, बाहरी सुरक्षा विदेशी तत्वों से सीमा की सुरक्षा से संबंधित था, और पिछले कुछ सालों में बाहरी आंतरिक सुरक्षा में अंतर कम हुआ। सुरक्षा खतरों के लिए नए आयामों ने इस फर्क को काफी ज्यादा कम कर दिया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बेहद खास बयान सुनवाना चाहता हूं जो उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के रेफरेंस में दिया। सेना को रूस यूक्रेन युद्ध से सबक लेने की सलाह दी, आप सुनिए। आह्वान करता हूं समय के बदलने के साथ साथ आपके एडॉप्टेशन की क्षमता है उसे और अधिक डेवलप करिए। बदलती दुनिया और बदलते सुरक्षा माहौल से हमने जो सीखें ली हैं, उदाहरण के लिए हालिया यूक्रेनी संघर्ष या फिर इसी तरह के अन्य संघर्षों से हमें जो सीखें मिली हैं उसे हम अपनी प्रैक्टिस में लाएं और अपने आप को लगातार अपडेट करने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। आज दुनिया की बड़ी सेनाएं अपने मॉडर्नाइजेशन में लगी हैं, वे नए नए थॉट्स नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर भी वो काम कर रही हैं, उन पर रिसर्च कर रही हैं, नए नए प्लेटफॉर्म और इक्विपमेंट पर भी वो विचार कर रही हैं। मैं ये कहना चाहूंगा आप भी आने वाले कल को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी टैक्टिक्स और पॉलिसीज पर काम करें, और मैं कहना चाहता हूं हरेक टुडे आने वाले कल का यस्टरडे हो जाता है। इसलिए जो सेना या संगठन केवल आज के हिसाब से अपने आप को तैयार करती हैं वह जल्द ही पुरानी पड़ जाती हैं और अधिक समय तक इफेक्टिव नहीं रह पाती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम टुडे की बजाय टुमारो और आप डे आफ्टर टुमारो के बारे में सोचें, अगले 25-30 साल के बारे में सोचें और उस पर हम सभी मिलजुल कर काम करें। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हिंदुस्तान की एक नई छवि दुनिया के सामने उभरी है। हिंदुस्तान अब कुछ कहता है तो पूरी दुनिया में गंभीरता से हिंदुस्तान की बात सुनी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का ही असर है कि हिंदुस्तान के फैसलों पर दुनिया के बड़े देश भी खुलकर प्रतिक्रिया देते से बचते नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बात पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन सुनते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की बात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ध्यान से देते हैं, और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को समझाया कि यह वक्त युद्ध का नहीं है, पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री की इस पहल को सराहा। पूरी दुनिया युद्ध विराम के लिए हिंदुस्तान की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। पूरी दुनिया को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी भूमिकाओं की उम्मीद थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को युद्ध से सबक लेने की बात तो कही, साथ ही हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत के बारे में भी बताया गया जिसे यूक्रेन युद्ध के दौरान पूरी दुनिया ने महसूस किया। कैसे प्रधानमंत्री मोदी के कॉल से रूस यूक्रेन युद्ध कुछ घंटे के लिए रुक गया, इस दौरान कैसे हिंदुस्तानी छात्रों को रेस्क्यू किया गया, मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। साथियों, भारत का कद दुनिया में ऊंचा हुआ है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की हैसियत बनी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं रशिया यूक्रेनियन इस कंफ्लिक्ट के दौरान जिस समय हमारे भारत के लोग यह मांग कर रहे थे कि हमारे भारतवासी बच्चे जो यूक्रेन में युद्ध के दौरान फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने चाहे यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात करने की जरूरत पड़ी हो अथवा रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात करने की जरूरत पड़ी हो,
चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात करने की जरूरत पड़ी हो, सबसे बात किया और कुछ घंटों के लिए युद्ध स्थगित हो गया और हमारे भारतवासी छात्र यूक्रेन से बाहर आने में वो पूरी तरह से सफल हुए। यह है अंतर्राष्ट्रीय जगत पे भारत की हैसियत। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया की राजनीति में बड़े बदलाव, इसका असर तमाम देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर होने वाला है। सभी को कुछ ना कुछ सैन्य सबक सीखने को मिलेंगे। पहला सबसे बड़ा सबक परमाणु हथियारों से जुड़ा है। बेशक कोई माने या ना माने, पर यह सच है कि परमाणु हथियार आपकी सेना के पास होना बेहद महत्वपूर्ण है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के न्यूक्लियर बार वाली धमकी ने पश्चिमी देशों को पीछे धकेलने का काम किया। इसके साथ ही अब सवाल आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर भी उठे। यह माना गया कि किसी भी देश पर नकेल कसने के लिए आर्थिक प्रतिबंध काफी ज्यादा है, काफी अहम भी है। आज की तारीख में आर्थिक प्रतिबंध खतरनाक हथियारों से ज्यादा कारगर है। लेकिन 11 महीने के युद्ध के बाद यह सच, यह सोच बेमानी सी लगने लगी कि रूस को यूक्रेन के पीछे धकेलने के आर्थिक प्रतिबंध ज्यादा कारगर रहा। अब तक दावा यह किया जाता रहा कि खुले तौर पर पूर्ण युद्ध के दिन लद गए, अब समांतर क्षमता और दाव पेश से काम चल जाएगा। इस सोच को यूक्रेन संकट नकारता नजर आ रहा है। यूक्रेन संकट ने हमें खुले तौर पर पूरी ताकत के साथ लड़ने जाने वाला युद्ध दिखा दिया। दुनिया में अपना प्रभाव जमाने के लिए अब तक बल का प्रयोग करना एक बार फिर जरूरी दिखाई दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे में हिंदुस्तान को भी अपना फोकस इस बात पर बढ़ाना चाहिए। क्या हिंदुस्तान एक ऐसी चुनौती के लिए तैयार है? हिंदुस्तान को अपनी जरूरतों को समझते हुए स्मार्ट और तकनीकी के तौर पर सक्षम संयुक्त बल को विकसित करने पर जोर देना होगा। जानकार बताते हैं कि एक तरफ यूक्रेन संकट हमारे लिए रूस के साथ संबंधों को सही और सटीक आकार करने का मौका देगा, तो दूसरी तरफ हमें रूस अपनी निर्भरता की समीक्षा करने के तरीके से करनी हो। इस मसले पर जानकारों की क्या राय है, राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहिए। रशिया यूक्रेन वॉर से हमें जो एक सबक मिलता है वो ये है कि हमें आत्मनिर्भर होना होगा। हमें खुद ही अपने साजो सामान तैयार करने होंगे ताकि दूसरे देशों के हाथों में हम हॉस्टेज न बने और अपना निर्णय हम खुद ले सकें, हमारी क्या आवश्यकता है उन्हें पूरा कर सकें। तो जो प्रधानमंत्री मोदी का जो एक नारा है कि हम भारत आत्मनिर्भर बने, तो वो आत्मनिर्भर के साथ साथ भारत निर्भर बने, ये बहुत ही आवश्यक है। और अगर हम भारत निर्भर रहेंगे तो रशिया यूक्रेन जैसे कई युद्ध हों उनका हम डट के सामना कर पाएंगे, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो समय के साथ वैज्ञानिक तकनीकी जो एडवांसमेंट्स हैं उनके साथ हमारी बदलती रहेंगी और रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेंगी। क्योंकि ये देखिए, रशिया और यूक्रेन के युद्ध से एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि अगर आपको युद्ध किसी भी स्थिति का सामना करना है तो आपकी आर्मी को मॉडर्नाइज होना पड़ेगा और जितनी भी कंटेम्पररी टेक्नोलॉजीज हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, उन टेक्नोलॉजीज से आप अच्छे तरह से वाकिफ होना पड़ेगा और उन टेक्नोलॉजीज का आपने मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल प्रयोग करने का पूरा आपको अच्छा तरीके से ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए, भारतवर्ष की सेना दुनिया की सबसे सशक्त और वेल ट्रेन्ड सेनाओं में से एक है और उस सेना को उस लेवल पर बनाए रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि सेना का लगातार सतत रूप से मॉडर्नाइजेशन होता रहे। और जो रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में ऐसा आकलन किया गया था कि रूस की विशाल सेना यूक्रेन की छोटी सेना को कुचल देगी। यूक्रेन के एक टैंक के मुकाबले रूस के पास 6 टैंक थे। ऐसे में ये विशाल रूसी सेना जिसके पास बड़ी तादाद में टैंक, बेहद ज्यादा गोला बारूद था, जो दुनिया में हवा जमीन पर अपनी मजबूती सामरिक क्षमता के लिए जानी जाती है, युद्ध के दौरान उसे कमजोर प्रदर्शन पर मंथन किया जाना जारी। युद्ध मामलों के जानकार इस मसले पर अलग अलग राय रखते हैं, इसके पीछे कई कारणों की बात करते हैं।
हर वजह अपने आप में खास है, हर वजह से सीखने के लिए कुछ ना कुछ होता है। एक वजह थिएटर कमांडर का नहीं होना बताया जा रहा है, नेतृत्वहीन सेना, मॉस्को में योजना तैयार करना, मॉस्को से रिमोट कंट्रोल की जा रही लड़ाई, सेना के आधे से ज्यादा नए रंगरूटों की भर्ती, नेतृत्व का अभाव, एनसीओ कॉप का मौजूद नहीं होना, अनेक राजनीतिक धारणाओं का गलत होना, जैसे रूसी आला नेतृत्व में यह आकलन किया गया, ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन 2014 में किया गया, इसी के ऑपरेशन की बड़ा स्वरूप होगा, इसे ज्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेना के आला अधिकारियों की यह बात, ये सोच गलत है। रूसी सेना के रणनीतिकारों को लगा कि इस ऑपरेशन में ज्यादा हिंसा नहीं होगी, रूसी सेना को केवल यूक्रेन वासियों को अपनी आजादी पाने में सहायता मात्र करनी है, लेकिन आकलन गलत साबित हुआ। रूसी सैन्य ऑपरेशन को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इसके अलावा रसद, गोला बारूद और अन्य युद्ध सामग्री पहुंचने में भी कई खामियों को देखने को। रूसी टैंकों में वो दमखम नहीं दिखा। यूक्रेन में जब्त किए गए रूसी टैंकों की तस्वीरें खूब वायरल। रूसी सेना का सूचना तंत्र भी फेल होया। आपस में सूचनाएं देने की व्यवस्था इतनी खुली थी कि उसे आसानी से इंटरसेप्ट किया जा सकता। और ये सारी बातें रूसी वॉर मशीनरी में लापरवाही और उसमें गिरावट का संकेत दे रहे। युद्ध के दौरान सूचना तंत्र मजबूत होना कितना जरूरी है, यह बात पूरी दुनिया समझ चुकी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दूसरी तरफ कमजोर सेना, सैन्य क्षमता के बावजूद यूक्रेन की तैयारी ने बहुत कुछ सिखाया। यूक्रेन का परफॉर्मेंस बताता है कि यूक्रेन में साल 2014 में युद्ध के काफी ज्यादा कुछ सीखा, कड़ा अभ्यास किया। यूक्रेन का विरोध ना केवल मजबूत दिखाई देता है बल्कि ये काफी सुनियोजित भी नजर आता है। अलग अलग मोर्चों पर जवानों की तैनाती काफी तेजी से की गई, रणनीति पर विस्तार के साथ काम किया गया। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के बड़े अफसरों को निशाना बनाया जारी रखा और करीब 12 रूसी जनरल को मारने से यूक्रेनी सेना सफल रही। यूक्रेनी सेना की ओर से ट्रैक्टर ब्रिगेड आनंद फानन बनाए गए, वर्कशॉप अपने रक्षा कारोबार को जारी रखा, अहम साबित हुआ। इन्हीं के दम पर यूक्रेनी अपनी लड़ाई को जारी रखने में कामयाब रहे। यूक्रेन के एरियल रिकॉनिसेंस यूनिट ने शानदार प्रदर्शन किया, उसकी चर्चा जोरों पर रही। यूक्रेनी सेना के एरियल रिकॉनिसेंस ने तकनीकी जादूगरी को बेहतरीन प्रदर्शन किया, जैसे एलन मस्क की ओर से उपलब्ध कराए गए स्टारलिंक टर्मिनल ने भी कमाल पर कर दिया था। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से रूसी सेना के युद्ध उपकरणों जैसे टैंक, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, दूसरे उपकरणों पर सटीकता के साथ ड्रोन स्ट्राइक करने में सफलता हासिल। स्टारलिंक का उपयोग कर ड्रोन के ऊपर लगाए गए थर्मल विजन डिवाइस को कनेक्ट करते हुए टारगेट पर टॉप पर सही निशाना। स्टारलिंक टर्मिनल्स इतने शक्तिशाली हो गए कि वो अब रूसी सेना के हमले का मुख्य निशाना है। स्टारलिंक रोजाना बदलते युद्ध क्षेत्र की गतिशील चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए मुस्तैद है। बचाव का रास्ता अपनाने के लिए न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए और इन्हीं टर्मिनल्स का उपयोग यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रणनीतिकार संचार के लिए करते हैं और दुनिया के लोगों को प्रभावित करने के लिए दुनिया की अलग अलग संसदों को संबोधित कर वहां के जनप्रतिनिधियों को अपने पक्ष में करने के लिए, जनभावनाओं को अपने हक में करने के लिए, स्थायी नागरिकों के साथ अपनी सेना का हौसला बुलंद करने के लिए भी काम। रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन का शानदार इस्तेमाल देखने को मिला। रूसी टैंक जब कीव और एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचे तो यूक्रेनी सेना ने इन्हें ड्रोन हमले में उन्हें आगे बढ़ाने से रोक दिया। कमर्शियल ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने रूसी सेना की तैयारियों पर नजर रखा, वक्त रहते अपने लोगों को सूचना देकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। कई मौके पर रूसी टैंकों के भीतर मौजूद 4 लोगों की टीम इस ड्रोन के हमले में सामने एहसाए नजर आई। रूस यूक्रेन युद्ध में नई तकनीकों के पारंपरिक टैंक को जबरदस्त चुनौती दी।
एडवांस एंटी टैंक सिस्टम और ड्रोन के सही इस्तेमाल ने पारंपरिक युद्ध शैली पर कई सवाल खड़े किए। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, रूसी सेना और यूक्रेन की सेना के बीच वार पलटवार जारी है। युद्ध ने दुनिया के तमाम देशों की युद्ध नीति, दुनिया की राजनीति में काफी बदलाव दिए हैं। देखना होगा अभी और कितने बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।